हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है गर्ल्स के लिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी मेकअप की, और मैं आज मेकअप की वीडियो बनाने जा रही हूँ जो लड़कियों के लिए तो स्पेशल है ही, बट लड़के भी उसको रेफर कर सकते हैं। वो अगर चाहें तो वो किसी को, अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को, उनको रेफर कर सकते हैं कि हम कैसे सिर्फ 10 मिनट में मेकअप कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग सबको, किसी को ऑफिस जाना होता है, कभी पार्टी में जाना होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम कैसे 10 मिनट में रेडी हो सकते हैं बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ में, मैं वो आज आपको दिखाने जा रही हूँ। तो जो सुबह का रूटीन है, आई होप आप सब फॉलो कर रहे होंगे। रूटीन मैं कर चुकी हूँ, जो हमें CTM करना होता है, मतलब हमारा स्किन केयर जो है वो मैं कर चुकी हूँ, मॉइस्चराइजर मैं लगा चुकी हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले लगाने जा रही हूँ BB क्रीम। फेस पे लगा लिया है और फिंगर्स से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है, इसलिए मैंने फिंगर्स का ही इस्तेमाल किया है। अब मैं नेक्स्ट करने जा रही हूँ दूसरा स्टेप, जिसमें मुझे करना है, क्योंकि मैंने BB क्रीम अप्लाई की है तो उसको लॉक करना है। उसको लॉक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्राइलॉन का एक ट्रांसलूटेंट ब्लूसेंट पाउडर। मैंने दूसरा स्टेप किया है जिसमें मैंने अपना जो फाउंडेशन या फाउंडेशन मतलब BB क्रीम जो मैंने अप्लाई किया है उसको मैंने लॉक कर दिया है एक ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ में। इसके अलावा आप कोई कॉम्पैक्ट अगर यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो करूंगी तो मैं अपनी आईब्रोज को हाईलाइट करने जा रही हूँ अभी। तो आप देखना आईब्रोज को हाईलाइट करने से ही कितना फर्क पड़ जाता है। तो मैंने सबसे पहले अपनी आईब्रोज को हाईलाइट कर लिया है, तो आप देखेंगे कि कैसे आईब्रोज को हाईलाइट करने से ही इतना फर्क पड़ जाता है। अब मैं शुरू करूंगी नेक्स्ट स्टेप। अभी मैं करने जा रही हूँ नेक्स्ट स्टेप, जिसमें है काजल और मस्कारा। तो मैं सबसे पहले काजल अप्लाई करने जा रही हूँ। आपको जो भी काजल आप यूज करते हैं वो काजल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काजल मैंने लगा लिया है, अब मैं लगाने जा रही हूँ मस्कारा, और ये मस्कारा मुझे बहुत पसंद है मेबलिन का। अब मस्कारा मैंने लगा लिया है तो जो आईज है मेरी वो नेक्स्ट स्टेप है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है, मैं तो क्या करती हूँ कभी कभी सिर्फ वही काजल लगाया और सिर्फ लिपस्टिक लगाई और मस्कारा लगाया, उसी से मेरा हो जाता है। तो जो लास्ट स्टेप है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो है लिपस्टिक। आप कोई भी कलर की लिपस्टिक आप यूज कर सकते हैं। लास्ट स्टेप मैंने कर लिया है, मैंने लिपस्टिक लगा ली और ड्रेस के हिसाब से मैंने लिपस्टिक चूज किया है, जो कलर चूज किया है। सो आप देखोगे कि मेरा जो फेस है उसका मतलब पूरे फेस पर लुक आ गई है, और लिपस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी हम इतना जल्दी में रहते हैं, सिर्फ लिपस्टिक भी लगाते हैं तब भी काम कर देती है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक मैंने लगा लिया, ये लास्ट स्टेप था मेकअप का आज के। और मेरा सबसे फेवरेट जो प्रोडक्ट होता है पूरे मेकअप में वो लिपस्टिक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सिर्फ मेकअप में लिपस्टिक लगाती हूँ और मेरा काम चल जाता है।
तो लास्ट में कभी कभी मैं क्या करती हूँ, आप भी कर सकते हैं, जैसे ये मेरे पास में पैलेट है, इसमें से कोई भी एक कलर चूज करके और आप अपनी फिंगर का यूज करके थोड़ा सा मस्कारा लगा सॉरी थोड़ा सा आप आई शेडो जो है अप्लाई कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा दिखे भी ना वो और आपकी जो आईज है वो भी सुंदर लगे, और आपने क्योंकि हमने हमने लाइनर अप्लाई नहीं किया है तो ऐसे ही हम अपने आईज को सुंदर बना लेंगे। ये देखिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगते हैं, आपको प्रोडक्ट का कुछ नॉलेज चाहिए, आपको आई शेडो के बारे में कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। ये है मेरा ओवरऑल लुक।